मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार से बांदा जेल में की मुलाकात। लगभग चार घंटे तक चली पिता बेटे की जेल में मुलाकात। बेटे उमर ने जेल में मुख्तार की हत्या की जताई आशंका। कहा, ब्रजेश सिंह के मामले को लेकर हत्या की रची जा रही है साजिश। फतेहपुर में बंद घरों में चोरों ने बोला थावा। रिश्तेदार की शादी में गया था परिवार। सोने चांदी के जेवर और लाखों रुपए लेकर भागे चोर। करीब 20 लाख रुपए की हुई चोरी। सोनभद्र पुलिस ने कोयले की चोरी का किया पर्दाफाश। कोयला लदे 23 ट्रक को पकड़ा। 19 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। फरुखाबाद में 11 साल की बच्ची का शव मिले से हड़कंप। बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका। एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी जुटाए सबूत। घटना के खुलासे के लिए एसओजी टीम को लगाया गया। हापुड़ के सपनावत के वैष्णो देवी मंदिर धाम में लाखों की चोरी। सोने का मुकुट, दानपात्र समेत कैश नकदी लेकर चोर हुए फरार। करीब 15 लाख के नुकसान की आशंका। सीसीटीवी से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। चंदौली में भगवानपुर पुलिस के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत। एक गंभीर रूप से घायल। ट्रॉमा सेंटर है। अलीगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान हुआ हादसा। टू सीटर प्लेन रनवे के पास खेतों में गिरा। हादसे में कोई हताहत नहीं। जेल में बंद सपा सांसद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की मांग की। चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने की मांगी इजाजत। 2 साल से जेल में बंद हैं आजम खान। शिपाल यादव की इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से सपा प्रसपा गठबंधन बनाए गए प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके दी जानकारी। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का आरोप। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर दाखिल याचिका की नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। सियाना विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने गए भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह लोधी का ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों ने विधायक पर वादा पूरा न करने का लगाया आरोप। विरोध के बाद विधायक ने लोगों से मांगी माफी। पौड़ी में भाजपा के संगठन महामंत्री जगत किशोर ने कहा, भाजपा में सब कुछ ठीक, कहीं कोई विरोध के सुर नहीं। सिटिंग विधायक भी भाजपा का ही चेहरा। बद्रीनाथ धाम में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में बिछी बर्फ की चादर नजर आया। ऐसा मानो धरती पर उतर आया हो स्वर्ग। पहाड़ों की रानी मसूरी में हुई हल्की बर्फबारी। लाल टिब्बा, परी टिब्बा, धनौल्टी क्षेत्र में गिरी बर्फ। बर्फबारी से तापमान में गिरावट। स्थानीय लोग, पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। टिहरी जिले में ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी जारी। स्थानीय लोगों को हो रही दिक्कत। दूर दराज से आए पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का मजा। चंबा मसूरी नेशनल हाईवे पर रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। विकासनगर के चक्राता में हुई भारी बर्फबारी। रोड बंद होने से दर्जन भर गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क कटा। बर्फबारी होने से पर्यटकों, होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले। पिथौरागढ़ में मौसम विभाग की चेतावनी हुई। सच ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी बर्फ। मुंसियारी के खलिया, मिलम, नामिक, हंसलिंग और पंचाचुली में हो रही बर्फबारी।